नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टी टेस्टिंग के लिए किस पानी को यूज करना अनिवार्य माना जाता है और कौन सा पानी एक्चुअल में हमें टी टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों टी टेस्टिंग के अनुसार जो भी बड़े बड़े टी टेस्टर्स हैं या टी इंडस्ट्रियां हैं वो मिनरल वाटर में ही टी टेस्टिंग करती हैं। अगर आप टी टेस्टिंग मिनरल वाटर में करते हैं तो आपको चाय में जो प्रॉपर खूबी है, जो एक्चुअल चाय में खूबी होती है, गुणवत्ता होती है, वो उभर कर सामने आती है, जिससे कि आप तुरंत समझ जाते हैं कि चाय खरीदने लायक है या नहीं, चाय अच्छी है या खराब है या लो क्वालिटी की है। ये आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाता है अगर आप मिनरल वाटर में टी टेस्टिंग करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल हमें समझ में नहीं आता, हमें पता ही नहीं होता कि टी टेस्टिंग करने के लिए कौन सा पानी यूज करना चाहिए। हम लोग टैप वाटर में यूज करते हैं यानी कि नल का पानी, या फिर हम लोग बोरिंग के पानी में चाय को टेस्टिंग करते हैं, जो कि गलत है क्योंकि बोरिंग के पानी में आपका आयरन भी ज़्यादा होता है और पीएच लेवल भी हाई होता है, जिससे कि चाय की क्वालिटी पूरी गिर जाती है। चाय के पत्ती में एक चाय का जो स्वाद है वो बदल जाता है, उसमें एक आयरनी टेस्ट हो जाता है, मेटलिक टेस्ट आ जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि चाय खराब है, बट चाय अच्छी होती है उसके बावजूद भी आपको खराब लगती है क्योंकि आपने गलत पानी में उसे टेस्ट किया है। तो इस चीज़ को समझे दोस्तों, मिनरल वाटर में अगर आप टेस्ट करेंगे तो मिनरल वाटर में क्या रहता है कि पीएच लेवल और उसका जो मेटलिक आयरन, जो आयरन होता है उसमें आयरन की मात्रा भी एक लिमिटेड लेवल में होती है, एक बैलेंस्ड लेवल में होती है, जिससे कि आपको चाय की जो खूबी है, चाय की जो गुणवत्ता है वो अच्छे से समझ में आती है और आप समझ जाते हैं कि हाँ ये चाय मेरे खरीदने लायक है या नहीं। और कोई भी होलसेलर या चाय का व्यापारी आपको जब भी चाय दे उससे पहले सैंपल ले और सैंपल को मिनरल वाटर में ही टेस्ट करें और आप फिर चाय को खरीदने में कभी भी गलती नहीं करेंगे और चाय की क्या क्वालिटी है, क्या कमी है, आप अच्छे से तुरंत जज कर सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए टैप वाटर यानी कि नल का पानी, मिनरल वाटर शुद्ध पानी और बोरिंग का पानी, इन तीनों के बीच टी टेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि क्यों इन तीनों में मिनरल वाटर बेस्ट होता है और इन तीनों में टेस्ट करने पर, टी टेस्टिंग करने पर क्या क्या फ़र्क आती है चाय के फ्लेवर में, चाय के लीकर की क्वालिटी में, दूध डालने के बाद चाय की ब्राइटनेस में और टेस्ट करते समय चाय के कड़कपन में, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है, क्या अंतर आता है, ये सारा कुछ आपको टी टेस्टिंग वीडियो के द्वारा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट